हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान और अनवर। मैं हूँ मोहम्मद। और मैं हूँ जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर एक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है भीष्मा जी और परशुराम जी की लड़ाई। तो देखते हैं वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। I fall in love with I love. अच्छा मुकाबला होगा आज। लो जी, लो हे गुरु श्रेष्ठ, आप भूमि पर खड़े हुए हैं। मैं रथ पर चढ़कर आपसे युद्ध नहीं कर सकता। यदि आप मुझसे युद्ध करना चाहते हैं तो कवच धारण करके रथ पर आइए। ये भूमि मेरा रथ है, वेद अश्व है, पवन सारथी है, वेद माता गायत्री, सावित्री और सरस्वती मेरा कवच है। हे गुरु श्रेष्ठ, मुझे अपने साथ युद्ध करने की आज्ञा दीजिए और ये आशीर्वाद दीजिए कि विजय मेरी हो। नमो जी। हे गुरु श्रेष्ठ, मैं तुम्हारी नम्रता से अति प्रसन्न हूं। सफलता चाहने वाले पुरुष को ऐसा ही करना चाहिए। अपने से बड़ों के साथ युद्ध करने वालों का यही धर्म है। यदि तुम इस प्रकार नहीं आते तो मैं तुम्हें शाप दे देता हूं। जाओ और इस प्रकार युद्ध करो कि तुम्हारा गुरु लज्जित ना हो। हाँ, क्या बात है, आज पता चल जाएगा गुरु और शिष्य में। पलट गए, वापस चले गए।
लग गया, पकड़ा नहीं लग गया। वो तेरी बहुत खतरनाक युद्ध। अब पाया है, इधर भी आएगा, उनका ही दिया। इन में एक भी आगे निकल गया ना तो मामला। ओ आप सही, ये सही था। हाँ बस मुझे लगता है नहीं बराबर बराबर अभी नहीं। ये तो प्रश्वापास्त्र है। इस अस्त्र से क्या होगा? ये तो अचूक अस्त्र है पुत्री, और इसके प्रयोग की विधि गंगा पुत्र के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। लो, यदि उन्होंने इस अस्त्र का प्रयोग परशुराम जी पर कर दिया तो उनकी पराजय निश्चित है। हे गुरु नंदन, हे भरत श्रेष्ठ, प्रश्वापास्त्र का प्रयोग ना करो। इसके प्रयोग से तुम्हारे गुरुदेव का अपमान होगा, इसका प्रयोग ना करो। रुक गया। आगे श्रेष्ठ, हे गंगा पुत्र, हे अधिरथी, हे भीष्म, आज तुमने अपने गुरु को परास्त कर दिया। वाह यार, संसार में किसी गुरु को तुम जैसा शिष्य नहीं मिलेगा। परंतु हे पुत्र, अब मैं रणभूमि में पीछे नहीं हट सकता। ओए यार, इसलिए या तो मेरा वध करो या फिर लौट जाओ। हे गुरु श्रेष्ठ, मैं युद्ध आपकी आज्ञा पालन के लिए कर रहा था, और अब यदि आपका आदेश ये है कि मैं लौट जाऊं तो मैं लौट जाता हूं। आ 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
इमोशनल कर दिया। बिल्कुल यार, एक काफ़ी एक इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिली है वीडियो, क्योंकि परशुराम जी और भीष्मा जी एक गुरु जी और शिष्य आपस में, गुरु शिष्य ये ऐसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि एक एक जब सामने आया ना तो हम ये सोच नहीं सकते थे कि एक भीष्मा जी उनके सामने एक एक युद्ध के लिए आए हैं या वैसे आए हैं, लेकिन जब आकर उन्होंने एक चेतावनी दी है ना एक एक लड़ने की, तब उन्होंने बोला है आ जाए, मुझे आप पर यकीन है, आ जाए, आज देखते हैं कि आप मेरा सामना कर पाते हैं या नहीं। और एक काफ़ी एक ख़तरनाक वाला युद्ध हुआ है यार, अब उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा तीर छोड़े हैं, उन्होंने भी जब एक एक शक्ति वाले तीर होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। नहीं वाकई यार, एक भीष्मा जी ने सबसे पहले बहुत अच्छा एक कार्य किया कि आकर भाई आशीर्वाद भी लिया और एक इजाज़त भी मांगी है गुरु जी से, हम युद्ध करें या ना करें, लेकिन फिर भी ना एक कमाल का युद्ध हुआ है। एक मुझे तो नहीं लग रहा था कि एक रुक पाए, लेकिन वो एक शस्त्र ऐसा एक था जो कि मतलब कि शायद एक परशुराम जी उनको ना रोक पाते या रोक भी सकते थे, लेकिन ऊपर से भाई देवता ने आकर ना है कि मतलब कि एक रुकवा दिया कि आप ना मतलब के रुक जाएं ये युद्ध, क्योंकि यार मुझे लगता नहीं कि इनका कुछ फायदा होगा। नहीं नहीं, फायदा तो कोई नहीं था असल में, मेन चीज परशुराम जी और भीष्मा जी के दरमियान युद्ध क्यों हुआ। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि असल बात ये देखने वाली है ना कि ये एक नौबत आई क्योंकि उनको आपस में इस तरह, लेकिन अगर ये एक पॉइंट आ भी गया था तो उन्होंने भाई एक पहले एक आज्ञा ली उनसे जाके, बहुत एक सम्मान दिया उनको कि भाई आप आज्ञा दे तब जाके हम ये एक स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कि वहाँ पर भी एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर उनको एक जो है ना वो चेतावनी दे दी गई कि आप ये अगर इस अस्त्र का इस्तेमाल करते हैं तो ये एक ख़तरनाक साबित हो सकता है, तो वहाँ पे भी उन्होंने नहीं किया और उसके बाद भी देवताओं के ऊपर से फूल जो है ना वो फिर आगे उन्होंने कहा कि यहाँ पे या वध कर दो या लौट जाओ, तो उन्होंने भी लौट जाना ही मुनासिब समझा। और जो स्त्री आई थी वो थोड़ी सी परेशान थी, या वो ज़रूर बताइएगा कि वो क्यों थी और क्यों उनको मतलब वो रो रही थी है? बिल्कुल, लेकिन देखते हैं अब, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक।